हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंत्रा। ये आपका ज्योग्राफी की है, क्लास सिक्स की चैप्टर नंबर थर्ड में आपको कराऊंगा, ठीक है? इसी में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पर। ये जो चैप्टर नंबर थर्ड है, इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के कौन कौन से मोशन होते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के दो मोशन होते हैं, जैसे कि एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन, ठीक? दोनों में डिफरेंस होता है, जो रोटेशन होता है वो एक मूवमेंट होता है अर्थ का ऑन इट्स एक्सेसिस, ठीक है? अब आप कहोगे एक्सेसिस क्या है ये, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अर्थ है, ठीक, ये एक बार रोंग करिए। जैसे कि ये सन है, सन के अराउंड इस पाथ पर अर्थ घूमती है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक? जब अर्थ अपने ही एक्स एक्सिस के चक्कर लगाती है, मतलब यहीं पर घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है अर्थ यहाँ पर, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? रोटेशन। जब यही अर्थ ऐसे जा रही हो सन के अराउंड, ठीक है, सन के अराउंड घूम रही हो, अगर यही अर्थ सन के अराउंड घूम रही है ऐसे, तब उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। देखिए ना, पढ़िए आप। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ये जो होता है ना ऐसा अर्थ सन के ऐसे सर्कल में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट या इसको बोलते हैं पाथ, ठीक है? इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, जब अर्थ इसके अराउंड घूमती है सन के। जब रोटेशन, और रोटेशन किसे बोलते हैं? जब अर्थ अपने ही अराउंड घूमती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रोटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ। द डेली मोशन ऑफ अर्थ, इसको समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर द सर्कल डेट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट बाई, अच्छा, ऐसा सर्कल जहाँ से डे और नाइट अलग हो जाते ग्लोब पर, उसको बोलते सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये है वो लाइन, ये है, ठीक है? इसके इस तरफ तो क्या होगा? अंधेरा होगा, नाइट होगी। इसके इस तरफ क्या होगा? डे होगा। तो इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है? इक्वेटर ये रहा, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। इसको सन के अराउंड तो हो गई, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स। आपको ही पता है जब अर्थ एक दिन जो चक्कर लगाता है, ठीक है, अपने ही एक्स एक्सिस के, वो 24 आवर्स में लगाता है, कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सेसिस, ठीक है, वन डे में, ठीक है? कितना आवर लेता है? 24 आवर्स लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा, ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर, ठीक है? द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट कहते हैं इसको, ठीक है? जो ये वाला है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। कहाँ से? ये रही ना ऑर्बिटल प्लेन, इससे क्या एक वर्टिकल लाइन है। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो जब ऑर्बिटल से मिलती है, वो कितना बनाती है? 66.5 डिग्री बनाता है, ठीक है? जब ये बनाता है वर्टिकली के साथ, तब बनाता है कितना? 23 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है? 23.5 डिग्री एंगल। नॉर्थ पोल जब बनाता वर्टिकली, जब ऑर्बिटल होगा तब आप लगा देना 66 1/2, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है रेवोल्यूशन। देखिए, अभी तक तो आपने अर्थ अपने ही एक्स एक्सिस की कितना आवर लेती है? 24। जब ये सन के चक्कर लगाती है तो लगाती है
365 1/4 डेज। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, 1/4 डेज क्यों है। तो इतने ये रोटेशन रेवोल्यूशन लेती है अर्थ। देखिए 2016, 2020, 2024, 2028 इसको बोलते लीप ईयर। लीप ईयर आता है हर 4 साल बाद। अभी जो 2020 ये एक लीप ईयर है, ठीक है, इसके बाद कब आएगा, 2014 में आएगा, वो 24 में, 28 में आएगा, फिर 32 में, 36 ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब है इसमें हो गए 366 डेज, 366 डेज होते हैं इसमें लीप ईयर में, पर नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। और ये जो डेज है ना, एक एक्स्ट्रा जो बढ़ता है कौन से मंथ में बढ़ता है, 29 डेज होते हैं फरवरी में, सभी को पता होगा, नॉर्मल बात है ये। और नहीं तो नॉर्मली अदरवाइज कैसे रहते हैं, 28 डेज रहते हैं। ठीक है, ये जो है ना हाफ कर करके एक मिनट, तो ये जो हाफ कर करके ना 4 साल में ये 1 डे बन जाता है, एक दिन बन जाता है। देखो ना, अब मैं ऐसे ऐड करता हूँ सबको, 4 कट कटा के 1 आ गया, तो इसलिए ये 366 डेज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, वो किस सर्कल, कौन सा, क्या चीज बोलते हैं उसको, ये जो बन रहा है इसको इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का क्या नाम है, इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। 21 जून, आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। अर्थ इंडिया कौन सा हेमिस्फेयर में, नॉर्थन हेमिस्फेयर में, नॉर्थन प्लस ईस्टर्न। नॉर्थन तो मतलब इक्वेटर के ऊपर, और ईस्टर्न का मतलब है ईस्ट की साइड। ठीक है, जो रेज होती है सन की फॉल्स डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, कौन से दिन जो रेज है सन की वो डायरेक्ट गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, वो होते हैं 21 डेज को, वो 21 जून को। ठीक है, ये नॉर्थन हेमिस्फेयर के लिए। इस दिन बहुत सारी हीट मिलती है। ठीक, इस दिन बहुत बड़ा दिन है, दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और इसको बोला जाता है समर सोलस्टिक। अब आप बताओ 21 जून को गर्मी है तो इसका मतलब वो समर सोलस्टिक हुआ, लेकिन जितना आपने अभी तक पढ़ा ना ये वाली चीज़ें, इसका सारा उल्टा हो जाता है कब, जब ये साउथर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में 21 जून को, इस वक्त जब हमारे 21 जून को गर्मी होगी, उस दिन 21 जून को इनके यहाँ सर्दी हो रही होगी। ठीक है, उस दिन उनके वहाँ कम धूप जा रही होगी, उस दिन उनके यहाँ पर कम हीट हो रही होगी, धूप की हीट कम हो रही होगी, उस दिन उनके यहाँ पर लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डे होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में बता रहा हूँ। और वह समर सोलस्टिक की जगह विंटर सोलस्टिक कहा जाएगा। ठीक है, ये एकदम अपोजिट हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 22 दिसंबर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अब जब आपके यहाँ 22 दिसंबर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है, ठीक, इस दिन रेज जो ना ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरती है। ठीक है, 21 जून को तो कहाँ गिरती है आपकी, कैंसर पर 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती है रेज सन की, कैप्रिकॉर्न पर गिरती है। ठीक है, इस दिन बहुत कम हीट मिलती है, शॉर्टेस्ट तो डे होते हैं, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, आपको ही पता सर्दियों में कैसी कितने बड़े दिन होते हैं। ठीक है, विंटर सोलस्टिक कहते हैं। और लेकिन जो आपने 22 दिसंबर को बताया है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वही साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये वो एकदम उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर। देखिए हमारे यहाँ पर क्रिसमस, आप सोचिए 25 दिसंबर को बनाया जाता है, जब हमारे यहाँ 25 दिसंबर को ये बनाया जाता है, इसका मतलब हमारे यहाँ सर्दी में बनाया जाता है। तो मैंने कहा था आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में एकदम उल्टा हो जाता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ही ऑस्ट्रेलिया आता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में
गर्मी में बनाया जाता है क्रिसमस? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। 21 मार्च और 23 सितंबर को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डेज और इक्वल नाइट होती है। कैसी? मतलब कि 24 आवर होते हैं, मतलब कि 12 आवर तो डे होगी और 12 आवर नाइट होगी। ठीक है, आवर्स मतलब एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स। इक्वल से पता चला ना, इक्विनोक्स इक्वल। द रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर एटम और स्प्रिंग। हमारे यहाँ पर 23 सितंबर को एटम, ठीक है, ऑटम नॉर्थन हेमिस्फेयर में, तो इसका एकदम स्प्रिंग सीजन कहाँ पर हो जाएगा? साउथन हेमिस्फेयर में। 21 मार्च को हमारे यहाँ पर होगा स्प्रिंग सीजन नॉर्थन हेमिस्फेयर में, पर साउथ हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा? ऑटम हो जाएगा। ठीक है, 21 मार्च को, जो हमारे यहाँ, आप सोच रहे 21 मार्च को हमारे यहाँ गर्मी है तो स्प्रिंग सीजन है, तो 21 मार्च को ही उन साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा? ऑटम हो जाएगा, मतलब कि वह थोड़ा सर्दी टाइप हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर को हमारे यहाँ अगर नॉर्थन हेमिस्फेयर में थोड़ी सर्दी है, तो कहीं ना कहीं 23 सितंबर को उनके वहाँ क्या होगी? गर्मी होगी, स्प्रिंग सीजन साउथ हेमिस्फेयर में। ठीक है, आपके ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दी। ये आपका होगा चैप्टर नंबर, शायद ये चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपकमिंग वीडियो के लिए। एंड बाय।